देखिए चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन कंटेनिंग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मैंने अनएक्सलरेटेड नहीं कहा, मतलब स्ट्रेट लाइन पर चला गया, तो इट इज पॉसिबल दैट, तो ऐसा कब कब पॉसिबल है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चला जाए, मल्टी करेक्ट प्रॉब्लम है, तो आप कौन कौन से ऑप्शन टिक करेंगे इस? तो देखिए आप पहला ऑप्शन देखिए, ई वेक्टर इज पैरेलल, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ठीक है इसमें तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि बी ई के पैरेलल था, बी ई के पैरेलल है, मतलब तीनों पैरेलल हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो स्ट्रेट लाइन पर ही एक्सेलरेटेड करता जाएगा, बट अनएक्सेलरेटेड तो कहानी इसने अनडिफ्लेक्टेड का, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है बिल्कुल, इट इज पॉसिबल दैट तीनों पैरेलल हो, इट इज पॉसिबल दैट ई इज नॉट पैरेलल टू बी वेक्टर, तो पता है आपको अनडिफ्लेक्टेड जाने की एक और कंडीशन है स्ट्रेट लाइन पे जाने की, बात हो चुकी है अपनी, जबकि क्या होते हैं बी वेक्टर और वी वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना, वही जो हमने निकाली थी कंडीशन जाने की अनडेविएटेड, कि आपका ई वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना, ई वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में था, तो ये बी वेक्टर हो गया इससे किसी एंगल पर उसी प्लेन में, ठीक है ना, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसी में, ये v वेक्टर होता था तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ जाता था, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे दोनों पर पैरेलल थोड़ी नहीं है, e वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b वेक्टर, तो भी ऐसा पॉसिबल है कि e वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल नहीं है, स्टिल इट इज पॉसिबल कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाए इस केस में जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट, ठीक है ना, v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर बट e वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू b वेक्टर, तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन पे जा ही नहीं सकता ना, दोनों केस हो तो गए स्ट्रेट लाइन पर, आपको सही हो गई, ठीक है ना, वी वेक्टर के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है, बट ई वेक्टर तो पैरेलल नहीं है, तो ये इसको डाइवर्ट कर देगा स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाए, ये दोनों पैरेलल है बट वी वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू ई वेक्टर, तो आपको पता ही हेलिकल मोशन होगी विद नॉन यूनिफॉर्म पिच, तो स्ट्रेट लाइन पे कहां से चलेगा, ठीक है, तो ए और बी ही आंसर होंगे इसके, तो आंसर ए और बी है, बिल्कुल सही बताया आपने, बाकी सब मैंने बता चुका हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं इस तरह का, देखिए ये वाला, इसका भी आंसर लिखिए आप, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में,